चैनल अनक केमिस्ट्री सो टूडे वी आर बैक विद अनदर पार्ट ऑफ द बायर्गेनिक केमिस्ट्री एंड होप फुल इट्स अ लास्ट पार्ट ऑफ द बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड इसके बाद हम इसके सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके okay? uh, तो आज का जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इसके बाद दो दो तीन छोटे मोटे टॉपिक हो रहे हैं वो हमने डिस्कस करने हैं लेकिन मेनली जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें से ये लास्ट टॉपिक है ठीक है अब क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है देखो नाइट्रोजन को अगर इसके हम नाम पे जाएं तो इसका मतलब क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना अब जो एटमॉस्फेयर में है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एज अ एन टू एन टू को हमने फिक्स करना है टू द अमोनिया एन टू को हमने कन्वर्ट करना है किस में अमोनिकल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर वो सारे के सारे क्या हैं एंटू को एब्जॉर्व नहीं कर सकते या यूटिलाइज नहीं कर सकते एज अ फॉर्म तो उस एंटू को यूटिलाइज़ कर सकें वो ता उसके लिए हम इसको केस में कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो मेथड है ये हम दो टाइप से कर सकते हैं बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे हम बैक्टीरियाज का यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ना है और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो हमें अभी नहीं पढ़ना बाकी ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बाय द हैब्स प्रोसेस के थ्रू जो हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ठीक है अब देखो जो ये एन टू है एन टू में क्या होता है ट्रिपल बोंड प्रेजेंट होता है और ट्रिपल बोंड पता ही है आपको कि बहुत स्ट्रॉन्ग बोंड है तो इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है ठीक है अब एन टू से ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है एन टू से किस पे जाना है अमोनिया में तो बीच में क्या आते हैं इंटरमीडिएट्स इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं डाइजीन एंड द हाइड्रोजीन एन एच डबल बोर्ड एन एच एंड एन एच टू सिंगल बोर्ड एन एच टू देन क्या बनता है अमोनिया ठीक है तो ये दो क्या आते हैं पहले बीच में इंटरमीडिएट्स इन इंटरमीडिएट्स की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है किस से रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी अगर हम ग्राफिकली देखें तो देखो ये है एन टू रिएक्टेंट हेयर इज अ प्रोडक्ट दोनों से हायर एनर्जी किन की है इंटरमीडिएट्स की नेक्स्ट इज जब एक बार हम हैबर प्रोसेस के रिएक्शन देखें तो रिएक्शन आपने ये अपने लोअर क्लासेस में ट्वेल्थ क्लास में पी ब्लॉक में पढ़ा होगा एंड टू प्लस थ्री एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट एफ ई एन एम ओ गिव्स टू एन एच थ्री जब हम इसको हीट करते हैं डेल्टा एच इसमें नेगेटिव होता तो है ये हैबर्स प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके थ्रू अमोनिया फॉर्म होता है ये हमें वैसे नहीं पढ़ना यहाँ पर यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है बायोलॉजिकल प्रोसेस ठीक है अब बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं देखो राइजोबियम एजोटोबैक्टर क्लोस्टीडियम पाशू अब ये क्या होते हैं ये तीन टाइप के यूज़ हम कर सकते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है अगर क्वेश्चन uh, में आ जाए तो आपके पास अगर तीनों ऑप्शन गिवन है तो आप तीनों टिक करोगे लेकिन जो हम मेनली बेस्ट नोन है इसके लिए नाइट्रोजन uh, फिक्सेशन के लिए वो है राइजोबियम राइजोबियम हम यूज़ करते हैं और ये कहाँ मिलता है दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स जो लेग्यूनस प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बीन पी सोया जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनको हम लेग्युनस प्लांट्स बोलते हैं इसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर क्या मिलता है राइजोबियम ठीक है अब जो अमोनिया जो बना है बायोलॉजिकल प्रोसेस से हमने अमोनिया बना लिया तो अमोनिया जो बना है वो किसकी फॉर्म में यूज होएगा इन द यूज इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस बाय द प्लांट्स प्लांट इसको एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ करता है इस अमोनिया को तो उसके लिए जो नाइट्रोजिनस एंजाइम चाहिए वो कितने टाइप के हो सकते हैं तीन टाइप के दैट आर वेनेडियम नाइट्रोजेनिस आयरन नाइट्रोजेनिस एंड मोलिबिडम नाइट्रोजीनिस तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक्टिव मेटल क्या है एक्टिव मेटल ये नहीं होंगे इसमें जो सबसे नेसेसरी होता है वो है मोले अगर अगर आएगी कौन से और भी यूज हो सकते हैं तो आयरन और वेनेडियम भी टेक कर, करोगे लेकिन पूछा जाए कि जो स्पेश एक्टिव मेटल एक ही ऑप्शन गिवन है तो उसमें क्या आएगा एमओ जो इसका एक्टिव मेटल है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है मोली ओके नाउ नाइट्रोजिनेस आर कम्पोज ऑफ टू जो जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या होता है जिसमें हमने पढ़ लिया कि जो मोले पेडनम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेसेसरी है तो अगर नाइट्रोजिनेस आ जाता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन आ रहा है तो इसके एक्टिव आइटम क्या लेके आएंगे मोले पेडनम ठीक है अब जो नाइट्रोजिनेज है आर कंपोज ऑफ द टू मेटेलो प्रोटीन क्या क्या एक तो आयरन प्रोटीन होता है इसमें और एक क्या होता है एम एफ ई एम क्या होता है मेटल जो कि क्या होंगे मोलेपेडनम वेनेडियम एंड एफ ई प्रोटीन्स ठीक है proteins, हमने कौन से पढ़ना है जहाँ पे एम क्या होएगा एम ओ प्रोटीन एज अ को फैक्टर तो ये क्या हो जाएगा को फैक्टर और ये क्या हो गया आयरन प्रोटीन वेनेडियम जो नाइट्रोजीनेस भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि वेनेडियम नाइट्रोजिनेस हो सकता है आयरन नाइट्रोजिनेस हो सकता है और या फिर मोलेडियम तो इस ये जो है इसकी एक्टिविटी क्या होती है मोलेबेंडम से कम होती है इसीलिए हम सिर्फ क्या लेते हैं मोलबिंडम क्योंकि ये नेसेसरी है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके अब जो मोलेबेंडम है उसमें हमने बताया दो चीज़ें होंगी एक क्या एफी प्रोटीन नाइट्रोजेस जो मोलिबिंडम ये क्या है मोलिबेंडम नाइट्रोजीनेस ठीक है इसके क्या होंगे दो पार्ट्स होंगे अभी भी बताया एक तो एफ प्रोटीन ठीक है जिसको हम क्या बोलेंगे पी क्लस्टर और एक होगा एम ओ एफ ई प्रोटीन जो कि किसकी तरह काम करेगा एज अ को फैक्टर ठीक है इसके स्ट्रक्चर्स देखें अगर हम तो जो आ, ये है पी क्लस्टर है दिस इसमें क्या होता है एफ ई फोर एस फोर देखो एफ़ी फोर एस फोर क्या होता है आयरन सल्फर प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना है क्यूबेन जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके बाद क्या करना है जो आयरन्स थे जब क्यूबेन का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो पता चल जाएगा आयरन और सल्फर बीच में कहाँ कहाँ आ रहे थे तो यह एक जो क्यूबेन है उसके दो आयरन ले रहे हैं दूसरे क्यूबेन के दो आयरन लेने हैं और दोनों के बीच में बोन बनाना है और बीच में ब्रिज क्या आएगा वो आएगा एस सिस्टीन देखो कोई इनऑर्गेनिक सल्फर नहीं है ये एस सिसटीन का ब्रिज बनेगा दोनों ही के बीच में तो ये जहाँ पर एस सिस्टीन आ होगा ब्रिज में बीच में उसे हम बोलेंगे पी क्लस्टर एफ ई प्रोटीन जो को फैक्टर होएगा एम ओ एफ ई एक तो उसमें मोलबंडम दिख जाएगा यहाँ पे ठीक है उसके बाद यहाँ पे भी Fe4S4 ही आ रहे हैं लेकिन जो इनके बीच में ब्रिज है सल्फर्स का वो कौन से सल्फर है ये इनऑर्गेनिक सल्फ़र यहाँ पे जो ब्रिज था सल्फर का ये कौन से थे सिस्टीन वाले ठीक है तो यहाँ पर मोलेबंडन के साथ क्या है एन कनेक्टेड है इस तरह से बीच में दो तो चार हर एक जो दो मेटल्स के बीच में क्या आ रहे होंगे दो सल्फर ब्रिज तो टोटल यहाँ पे कितने ब्रिज आ रहे हैं सल्फर के फोर सल्फर ब्रिज इनऑर्गेनिक सल्फर यहाँ पे दो सल्फर के ब्रिज हैं और दोनों ही कैसे हैं एस एस नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जो रिएक्शन है इसके रिएक्शन में अगेन हमें ए का नंबर एच पॉजिटिव का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर याद रखना है इसके बाद मैंने ना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की भी रिएक्शन लिखी क्योंकि ऐसी दो ही रिएक्शन आई है जिसमें हमें नंबर्स याद रखने पड़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए दोनों का कंपेरिज़न करते हैं सबसे पहले क्या इसके रिएक्शन में एन टू प्लस सिक्सटीन ए टी पी यहाँ पर जो ए टी पी यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं सिक्सटीन प्लस प्लस एट एच पॉजिटिव प्लस में एट इलेक्ट्रॉन गिव्स टू एन एच थ्री प्लस सिक्सटीन एड पी प्लस सिक्सटीन पाई प्लस एच टू यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोट तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे स्मॉलर प्रोटीन्स के पास दैट इज टू द दीप क्लस्टर पी क्लस्टर के पास जाएंगे स्मॉलर प्रोटीन के पास फिर ये क्या करेगा जो रिड्यूस करके आ, हाँ जो रिड्यूस एफी प्रोटीन होगा ये किसको ट्रांसफर कर देगा जो रिड्यूस एफी प्रोटीन है इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये किसको ट्रांसफर करेगा अपने रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन टू द एमओएफई एम ओ एफ जब कोफैक्टर के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड था एन टू तो वहाँ से कहाँ जाएंगे एन टू एन टू से फिर उसके जो दो रिड्यूस फॉर्म बनेंगी इंटरमीडिएट जो हमने बात करी थी उसके बाद फाइनली अमोनिया तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होएगा ठीक है अब इसके बाद कंपैरिजन क्या है फोटोसिंथेसिस के साथ देखो सबसे पहले एटीपी का नंबर याद कर रखना फोटोसिंथेसिस में एटीन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिक्सटीन नेक्स्ट इज़ एट एच पॉजिटिव यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे कितने हैं एट मतलब एट टू जो याद रख लेना यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है ट्वेल एटीन ठीक है और बस ये चीज़ें याद रखनी है वहाँ पे एट एच पॉजिटिव यहाँ पे ट्वेल्व एच पॉजिटिव दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है मेन ए का याद रखना दोनों में यहीं पर कन्फ्यूज़न हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो टॉपिक कम्प्लीट होता है इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं वो हमने और डिस्कस करने हैं ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेरेटी एंड ट्रांसफेरिन इसमें क्या होता है आयरन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट तो इसका जो मेटल है वो तो पता चले गया होगा नाम से क्या है आयरन ठीक है अब तक सबसे पहले पढ़ते हैं फेरेटीन फेरेटीन में क्या होता है आयरन स्टोर होता है कहाँ पे इन द बोन मैरो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं वन इज़ एपो एफोफेरेटीन वन इज आयरन कोर जो एफो एपोफेरेटीन है ये क्या है एक प्रोटीन कोट है ठीक है कैसा है एक प्रोटीन कोट होलोसफियर है जिसके अंदर एक आयरन कोर क्या होता है आगे फिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द फोसफेट लिगेंड तो जो आयरन कोर है वो किस में फिट हो जाता है फोस प्रोटीन कोर्ट में दैट इज इन द एपोफेरेटिन दूसरी बात जो ये फेरेटिन है ये क्या है वाटर सोल्यूबल है बिकॉज इट हैव एट हाइड्रोफिलिक एंड द सिक्स हाइड्रोफोबिक चैनल्स ठीक है तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वहाँ से ये एंटर करता है आयरन एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट से लीव कर देता है तो ये सारा है बस इतनी सी चीज़ें हमने पढ़नी है फेरेटीन में की एक्स का काम क्या होगा आयरन स्टोरेज का इसमें दो पार्ट हो गया एपोफेरेटिन एंड आयरन कोर एंड वन इज दैट इसका एक्टिव मेटल क्या हो गया आयरन सो नेक्स्ट इज़ फेरेटीन हाँ अभी हमने फेरेटिन में पढ़ा था कि इसकी जो एक्टिव साइट है वो क्या आयरन है आयरन इन द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स इन द हाई स्पिन ठीक है नेक्स्ट इज ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरिन क्या होता है एक प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द एफ थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछ लेते हैं कि ट्रांसफेरिन जो है आयरन की किस फॉर्म में बाइंड करता है इन द एफ प्लस थ्री स्ट्रोंगली एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड फ्रॉम द स्टमक ठीक है अब देखो क्या होता है कि स्टमक में जब हम आयरन लेते हैं इट्स वी टेक इन इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एफी टू स्टमक क्या होता है एसिडिक होता है किस में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज़ एफ़ी थ्री में तो एफ़ी थ्री में जब कन्वर्ट होती है वहाँ से ये किसके कौन इसको ले लेता है ट्रांसफेरिन फिर ये ट्रांसफर करवाता है बोन मैरो में बोन मैरो में आके यहाँ पे क्या हो जाता है जो एफ प्लस थ्री है वो एफ प्लस टू में कन्वर्ट हो गई और प्लस टू में जो ट्रांसफेरिन है वो इसको बहुत कम बाउंड बाउंड कर सकता है या बोन बना सकता है इसके साथ तो वो यहाँ पर आके इसको रिलीज़ कर देता है क्योंकि प्लस टू फॉर्म में वो उसको स्टेबली अपने साथ बॉन्ड नहीं कर सकता तो जब उसने प्लस टू फॉर्म में रिलीज़ किया बोन मैरो में बोन मैरो में फैरेटिन में पड़ा था कि वो उसका काम क्या है बोन मैरो में आयरन को स्टोर करना तो फेरेटिन क्या करता है बोन मैरो में उसको स्टोर कर लेता है और फर्दर उसको ऑक्सीडाइज़ करता है करता है टू द एफ प्लस थ्री और एफ प्लस थ्री में जैसे वो कन्वर्ट होती है फर्दर वो किसके द्वारा ले ली जाती है टू द ट्रांसफेरिन ठीक है बस इसमें इतनी सी बातें याद रखने की हैं ट्रांसफेरिन एंड द फेरेटिन कि जो नेक्स्ट है ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनमें क्या मेनली इनके फंक्शन या फिर इनकी जो डिजीज़ हैं कि कौन सी डिजीज़ में कौन सा मेटल होता है या उनको क्योर करने के लिए क्या चीज़ चाहिए तो बस वो वीज़ ना उनको बस आपके ट्रीटमेंट के लिए मेनली उनके क्या मेटल की रिक्वायरमेंट है बस ये ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है सबसे पहला है साइट्रोफोर्स साइट्रोफोर्स में, में मेटल पहले याद रखना क्या है एफ़ ई प्लस थ्री इन द हाई ऑक्सीडिशन स्टेट एंड इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा ऑक्टाहेड्रल इसका काम क्या है ट्रांसपोर्ट का एफ ई को ठीक है तो ये हो गया साइड्रोफोर्स मेनली आपको मेटल ही पूछा जाएगा दैट इज़ एफ थ्री नेक्स्ट इज अ जेंथाइज ऑक्सीडेज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इसमें क्या होता है इसकी ना दो सब यूनिट होती है टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं हर एक के पास क्या होता है मोलिबिंडम मोलिबिंडम जो इसमें प्रेजेंट होता है वो सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है टू एफ ई टू एस टू एंड वन एफ ई डी एफ ई डी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्लाविन एडमिन डायन्यूक्लियोटाइड तो ये इसमें जो हर एक सब यूनिट है उसमें ये तीन साइड्स होती हैं ठीक है थीके? अब जेंथाइन ऑक्साइड का ऑक्सीडेज का काम क्या है ये क्या करता है जो जेंथाइन है जेंथाइन का स्ट्रक्चर है ठीक है इसका काम क्या है इसको कैटालाइज करवाता है बाय द एक्सो एक्स मीन्स जेंथाइन ऑक्सीडेज इसको कैटालाइज करवाएगा जेंथाइन को टू द यूरिक एसिड ठीक है अब यूरिक एसिड में देखो चेंज क्या हुआ एक तो डबल बोंड को रिड्यूस हो गया यहाँ पर डबल बोंड आ गया और यहाँ से जो ये वाला ऑक्सीजन था ये हट गया यहाँ से डबल बोंड हट गया ये डबल बॉन्ड पॉन्ट गया और यहाँ पे क्या आ गया ऑक्सीजन तो ये स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है जेंथाइन किस में कन्वर्ट हो गया यूरिक एसिड में और इसको जो कैटालाइज करवाता है इसको कौन करवाता है जेंथाइन ऑक्सीडाइज ठीक है अगर एक्सेस में यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है गाउट विच इज़ अ डिजीज नेक्स्ट इज जें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होएगा फर्स्टली टू द जेंथाइन टू द एम इसमें क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो एम खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम में एक्टिव सेट पूछी जा रही है तो एम ही बोलोगे ठीक है देन टू द एफ टू एस टू देन टू द एफ ई टी देन टू द ओ टू तो नेक्स्ट टॉपिक में देखो हमने क्या देखना है कुछ ना डिजीज है कहीं पे पर मेटल की वजह से वो कोज हो रही है कहीं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं तो उन डिजीज़ से रिलेटेड जो मेटल्स है ना आपसे कुछ नहीं पूछने वाले ट्रीटमेंट इसका क्या है या फिर क्या है मेन क्या याद रखना है उनके मेटल कई बार मैच तो फॉलोइंग में सारे डिजीज दे देंगे और उनके मेटल्स को मैच करना होगा तो बस उनके मेटल्स को याद रखो और कुछ याद नहीं रखना है इसमें ठीक है सिस प्लेटिन विच इज एंटी कैंसर एंटी कैंसर ड्रग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पीटी जो दो क्लोरिन है वो सिस्ट हैं दो अमोनिया सिस्ट हैं ठीक है मेन क्या याद रखें इसमें क्या है प्लेटेनियम हेल्सन डिजीज कोज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कॉपर इसमें मेटल क्या याद रखोगे कॉपर आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या याद रखोगे हुए ए यू वन नेक्स्ट हाइपर कैलसीमिया विच अकॉर्डिंग टू द रैपिड लॉस ऑफ कैल्शियम ट्रीटमेंट के लिए जी ए एम आर आई में जी डी थ्री एफ ई थ्री एम एन टू बस ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है इतना रिमाइंड आपको रह जाएगा हिल्स एंड डिजीज़ कॉपर वाली चीज़ पूछी हुई है आर्थराइटिस ए से याद रख लो ए से ए यू ठीक है हाइपर कैल्सियमें है ना सी ए से जी ए याद रखना एम आर आई में जी डी थ्री एफ ई थ्री एम एन टू और पी पी से पी टी ठीक है इसके बाद फाइनली द चैप्टर इज़ कम्प्लीट उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि हंड्रेड परसेंट ना कोई नहीं होते कोई ये बोले कि हाँ मैं हंड्रेड परसेंट हूँ और आप उस पर ट्रस्ट करो तो फिर आप ही बेवकूफ़ हो तो अपना जो हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट है वो हमेशा खुद पे रखो इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है मैंने जितना मेरे से हुआ मेरी बेस्ट मैंने अपने करवा दी है आपको ठीक है उसके बाद भी अगर आपके पास बुक हैं और आपको ऐसा लगता है या कोई नोट्स हैं अगर आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है और अजय कुमार की बुक है आप वो पढ़ लेना वैसे तो मैंने वो बुक पूरी अच्छे से पढ़ के और उसके एक्स्ट्रा ही करवाया आपको लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूर पढ़ लो ठीक है इसके बाद इसके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करो और हाँ एक चीज़ और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि नेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा तभी हम पढ़ें ठीक है बाई चांस पता चल रहा है कि नेट का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है तो देखो जो ये लॉकडाउन का टाइम है ना ये बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए इसके बाद ये टाइम आपको पूरी लाइफ में कहीं नहीं मिलने वाला है पहले तो आपको इस चीज़ की शिकायत थी कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है कहीं आप कोचिंग ले रहे थे या आप वर्किंग में थे तो आपको यही दिक्कत थी कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का पूरा कंप्लीट अब जब मिल रहा है तो आपको इस बात से भी शिकायत है कि टाइम मिल क्यों रहा है इतना ज़्यादा तो देखो ऐसे तो ना आपकी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होने वाली है तो सबसे बेस्ट है अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करो बैठ के पढ़ो एक बार ना अपना सिलेबस ख़त्म कर दो फिर नेट की जब डेट आएगी ना फिर अपनी अच्छे से रिविज़न करते रहना अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना पर पहले अपना सिलेबस ख़त्म करो अच्छे से और सिलेबस खत्म करने का तरीका क्या है कि जो चैप्टर पहले पढ़ लिया ना थ्योरी का उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन करने हैं नेट गेट आईआईटी आई टी तक एक प्रैक्टिस हो जाए ठीक है नेट वाले अच्छे से करने क्योंकि उससे हमें अपना पैटर्न पता चलता रहेगा बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो उसके बाद भी कोई टेस्ट वेस्ट सीरीज़ है जहाँ पर भी मिल रही हैं ले लो खरीदना मत पर जैसे भी आपको मिल रही हैं जहाँ पर अच्छी लग रही हैं आपको रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से देख के ज़रूर लेना एक की मैंने ली थी वो बहुत ही बेकार टेस्ट सीरीज़ है तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी लेकिन आप थोड़ा अपने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के ही अच्छे से लेना ठीक है जी थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे